सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक। नमस्कार, स्वागत है आपका सत्य खबर में। मैं हूं आपके साथ आंचल सिंह। हम लोग पहुंचे हैं निर्माण वितरस मॉल के सामने, जहां पर आज हम लोग जनता से पूछेंगे कि निर्भया कांड के दोषियों की सजा आने वाली है 16 तारीख को। तो हम उनसे पूछते हैं कि आगे कानून बनाने चाहिए तो वो कैसे बनाने चाहिए कि जिससे आगे रेप कभी ना हो। आप सीधे चौराहे पे लेके जाओ उनको, खड़ा करो, गोली मार दो, गोली भाज में नहीं अला होगा मालूम है। ऑन द स्पॉट डिसीजन लेना चाहिए, इतना लटकाने से कोई फायदा नहीं है। आज ये सब नहीं होता, आजकल के जो जन में अभी प्रियंका रेड्डी का हुआ है, आगे भी जो भी होने वाले हैं अभी भी कहीं हो रहा होगा। तो हमारे साथ कुछ मैम मौजूद है, हम इनसे क्वेश्चन करते हैं। मैम आपका नाम? आकांक्षा। मैम आप कहाँ से हो? आई एम कम फ्रॉम दिल्ली। मैम अभी निर्भया कांड जो हुआ था उसमें जो उसके दोषी हैं उनको सजा आने वाली है, तो उसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं कि लोग कि कैसे सजा होनी चाहिए इनको? मैं ये कहना चाहती हूँ कि उस केस को भी 5 ईयर्स हो गए हैं, जब ये हैदराबाद वाला हुआ था प्रियंका रेड्डी वाला, उसके बाद इन लोगों को अब मिल रहा है मौका सोचने का। इन केस अगर इनको सजा ही देनी थी तो उसी टाइम देते ना, और अब क्या फ़ायदा देने का। तो मेरे हिसाब से कि सही है, अच्छा है कि हाँ उसको मौका मिल रहा है, अच्छा इंसाफ मिल रहा है आखिर। मैम आपका नाम? मेरा नाम वैष्णवी है। कहाँ से हो आप? मैं कानपुर से हूँ। मैम ये बताइए कि जो हैदराबाद में इंसाफ हुआ था, उनका एनकाउंटर कर दिया गया, फिर उन्नाव वाला भी केस हुआ था जिसमें उनके दोषियों को, तो उनकी उसके बहादुर लड़की की दोषियों को अभी तक सज़ा नहीं मिली है, लेकिन 7 साल पहले जो निर्भया कांड का केस हुआ था उस पर अब सज़ा दे रही है कानून, इसके ऊपर क्या कहना चाहते हैं? इतने पेंडिंग केसेस पड़े हैं, रेप केस है, गैंग रेप है, कहीं ले जाके मार डाला, ट्रेन से फेंक दिया, बस में रेप कर दिया, ये सब केसेस तभी जगते हैं जब एक नया रेप केस होता है। मतलब कि पुराने केसों को जगाने के लिए एक नया केस देखना पड़ता है, उसके इंतज़ार में बैठा जाता है कि एक नया केस होता पुराना। अभी प्रियंका रेड्डी, डॉक्टर प्रियंका रेड्डी का केस हुआ, अब इसलिए निर्भया का जागा। अगर ऑन द स्पॉट निर्भया के जितने भी कल्प्रिट्स थे उन्हें सज़ा मिल जाती तो फिर शायद मुझे नहीं लगता आगे ऐसे कोई केसेस बढ़ते। ऑन द स्पॉट डिसीजन लेना चाहिए, इतना लटकाने से कोई फ़ायदा नहीं है। और आप बोल रहे थे कि क्या रूल्स हो जाए, क्या नियम कानून इस इंडिया में कितने भी हो जाए, जब तक लड़के नहीं सुधरेंगे तब तक ये ऐसा ही रहेगा। बहुत सी लॉज स्टार्ट हुई थी, बहुत से रूल्स रेगुलेशंस बने थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कुछ भी बेटर हुआ है इंडिया में। तो मैम ने कहा कि कितने भी कानून बने लेकिन उनका पालन नहीं होगा जब तक लड़के नहीं सुधरेंगे। चलिए और पूछते हैं जनता से कि इसको के लेकर उन लोगों की क्या क्या राय है। तो हमारे साथ कुछ लेडीज मौजूद है, हम इनसे पूछेंगे कि निर्भया कांड के ऊपर इन लोगों की क्या राय है। मैम आपका नाम? लवांकिता। मैम कहाँ से हो आप? दिल्ली से। यहाँ क्या करते हो? अभी तो स्टडी चल रही है। मैम निर्भया कांड को 7 साल हो गया, तो उनके दोषियों को अब सज़ा मिल रही है और उससे पहले भी कई केसेस हो चुके हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? ऑब्वियसली लेट है, वो लेट है इसलिए इतना बढ़ रहा है, वो जल्दी हो जाता तो ये सब नहीं होता। मैम आपका नाम? सपना। कहाँ से हो? दिल्ली। मैम 7 साल बाद निर्भया के दोषियों को सज़ा मिल रही है, आखिर निर्भया को इंसाफ मिल रहा है, तो इसके पर आप कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं कि निर्भया के दोषियों को अगर सज़ा पहले मिल जाती तो ये रेपिस ना होती? आज ये सब नहीं होता, आजकल के जो जन में अभी प्रियंका रेड्डी का हुआ है, आगे भी जो भी होने वाले हैं अभी भी कहीं हो रहा होगा, ये सब नहीं होगा। मैम आपका नाम? रितु। कहाँ से हो? दिल्ली। तो मैम ये बताइए, मैम ने बोला कि जब तक कानून ना बने और लोग भी नहीं सुधरे, तो इस पर आप क्या? ये जैसे हमारा इंडिया है, हमारा जो भी नियम है, जो भी रूल रेगुलेशन चलते हैं वो तो सरकार चलाती है, तो हर एक छोटी छोटी चीज़ अगर पॉलिटिकल कुछ भी अगर कुछ मिस्टेक हो तो एक पॉलिटिकल पार्टी खड़ी हो जाती है। लेकिन जब अगर ऐसी बातें होती हैं, जब लेडीज़ के साथ कुछ भी मिसबिहेव होता है या फिर कुछ आम जनता के साथ भी कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये सब चीज़ अगर हो रहे हैं तो जो पॉलिटिकल पार्टी है पहले तो उनको इसके बारे में कुछ मतलब जो होता है ना कोई ठोस कदम उठाना चाहिए, कुछ अच्छे नियम आने चाहिए। सबसे पहले वहाँ पे ये चीज़ क्या, अगर कोई रेप कर रहा है, कोई गलत कर रहा है, तो उस समय वो मैच्योर नहीं होता है, वो मैच्योर होता है, लेकिन जब उसे सजा देनी होती है तो वो मैच्योर नहीं होता है। ये तो सबसे बड़ी गलती है ना, सबसे पहले तो जो काम कर रहा है, जो गलती कर रहा है, पहले उसका गलती की सज़ा देनी चाहिए। और ये ऐसा नहीं है कि केवल बस उसी पे, आज भी जो हो रहे हैं, हमेशा हम इंटरनेट पे देखते हैं, वीडियोस वायरल होते हैं, फिर जो भी होते हैं लड़कियों के साथ मिसबिहेव होता है, ये सब कौन कंडक्ट करता है? ज़रूरी नहीं है पीपल गलत करते हैं, हमारी जो यहाँ की सरकार है उन्हें भी थोड़ी सी एक्शन लेनी चाहिए।
तो जैसे मैम ने बताया कि सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए जिससे आगे रेप ना हो। चलिए और जनता यहाँ पर मौजूद है, इन सभी से पूछेंगे, आगे चलकर पूछते हैं कि इन लोगों की क्या क्या राय है। तो हमारे साथ मौजूद हैं कुछ बॉयज़, तो इनसे पूछेंगे कि निर्भया कांड को लेकर इन लोगों की क्या राय है। सर आपका नाम? रविंद्र। कहाँ से हो? सोनभद्र। यहाँ क्या करते हो? हम जॉब करता हूँ यहाँ पे। सर अभी निर्भया के दोषी की सज़ा आने वाली है, तो इससे पहले भी कई रेप हुए हैं, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? मैम एक तो भारतवर्ष जब बना तो यहाँ पे रेप का कोई प्रावधान नहीं था, ये हमारे संस्कृति में नहीं था कि हम लोग किसी की ज़बरदस्ती इन द फेयर जाके उसका कुछ भी गलत करें उसके साथ, ठीक है। जो मॉडर्नाइज आगे बढ़ता चला गया वो हमें आज भुगतना पड़ रहा है, सीधी सी बात है। तो मेरा सीधा सवाल है मैम, ऐसा कानून आ जाए कि अभी एक कानून आपको पता होगा पास हुआ था कि अगर 12 साल से एबव है बच्ची उस पर कोई रेप होता है तो उसको फांसी होनी चाहिए। मेरा ये कहना है कि यार 4 साल से एबव हो, 4 महीने की हो या 50 साल की औरत हो, किसी का रेप अगर हो रहा तो गलत है। सबको विद इन 3 वर्किंग डेज में, 3 जब कोर्ट खुलता है फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाता है, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनने वाला जो भी होता है, ठीक है। हमें लगता है कि 3 दिन बहुत होता है इन लोगों को जिंदा रखने के लिए। आप पब्लिक के हवाले करो तो मेरा फर्स्ट ओपिनियन है ये गलत है, मैं मानता हूँ ये गलत है, हम गलत बोल रहे हैं। एज ए कानूनर अगर प्रोसीजर यहाँ पे लॉ नहीं बन पा रहा तो भाई आप पब्लिक के हवाले कर दो, हम लोग डील कर लेंगे। सर आपका नाम? राहुल मेरा नाम है। कहाँ से हो? दिल्ली से ही हूँ। सर ने बोला कि जब रेप होते हैं तो वो पब्लिक के हवाले का, जिस लड़की का रेप जो करते तो पब्लिक हवाले, तो एक ये बताइए कि जो 7 साल से निर्भया के दोषियों को सज़ा मिलती आ रही है वो ठीक है, या फिर जो अभी हैदराबाद की बहादुर लड़की के साथ हुआ उनका इनकाउंटर कर दे वो ठीक है? ऐसी बात है, जो अभी हैदराबाद की लड़की के साथ जो हुआ और जो उसका रिजल्ट निकला जैसे पुलिस वालों ने किया वो बिल्कुल सही, एक मात्र यही ऑप्शन है कि मतलब ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि जितना डिले करेंगे उतना ही पब्लिक का इंटरेस्ट, जो मतलब ये होता है कि मतलब विश्वास पुलिस से भी उठ जाता है। जो हैदराबाद पुलिस ने करा वाकई बहुत तारीफ़ के लायक है वो, और ये काम दिल्ली पुलिस को भी बहुत पहले कर देना चाहिए थे। बट पता नहीं सिस्टम का कुछ ऐसा है रोल इनका कि ये पता नहीं सिस्टम ही ख़राब है, हमें तो ऐसा लगता है। तो आई थिंक मुझे लगता है सिस्टम को पहले ये चीज़ अपना स्ट्रिक्ट कानून बनाना चाहिए कि मतलब थोड़ा बहुत 2-3 दिन तो मुझे बहुत ज़्यादा ही लगते हैं, जिस जब पकड़ा उसी टाइम पर सज़ा देने का मतलब ऐसा होना चाहिए। अच्छा हमारे साथ एक और सर मौजूद है, हम इनसे ही पूछेंगे। सर आपका नाम? सागर। कहाँ से हो? दिल्ली। अच्छा सर ने बोला कि पब्लिक के हवाले कर देना चाहिए लोगों को, तो आप ये बताइए कि अगर लड़की कहीं जाती है तो उसके साथ रेप, अगर वो लड़के ना मिले जो रेप करता है तो कानून को क्या करना चाहिए? कानून को देखिए, लोगों को सबसे पहले अपने कानून अपने हाथों में लेना नहीं चाहिए। आई थिंक पब्लिक को हवाले करना सही नहीं है, कानून को अपने हिसाब से देख लेना चाहिए कि मतलब क्या करना चाहिए। वो कानून अपनी जगह सही है, हर कंट्रीज़ के लॉज एक जैसे नहीं हो सकते, इसलिए कहीं डिले भी हो सकता है तो कहीं पर फास्ट ट्रैक पर भी सॉल्व किया जा सकता है केस को। बाकी लड़के और बाकी थोड़ी मैंटेलिटी बदलनी चाहिए लड़कों को अपने हिसाब से, बस। तो यहाँ के लोगों ने कहा कि लड़कों को भी अपनी मैंटेलिटी भी बदलनी चाहिए, और जब रेप होता है तो उसको अगर कानून सज़ा नहीं देती है तो लोगों को कानून को उन आरोपियों को पब्लिक के हवाले कर देना चाहिए जिससे आगे की आने वाली पीढ़ी में भी सुधार आ सके और रेप आगे ना हो। कैमरा पर्सन नीतीश कुमार के साथ मैं आंचल, सत्य खबर। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबार।